ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। यह शुक्र 11 अगस्त 2021 और 11:32 पर अपनी नीच कन्या राशि में संचार करेंगे। अभी तक वह सिंह राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन 11 तारीख को अपनी नीच राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। और आपकी राशि के ऊपर इनका क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा इसकी जानकारी देंगे। आज चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। देखिए शुक्र का सीधा संबंध आपका भोग विलास ऐश्वर्यशाली जीवन भौतिक सुखों की प्राप्ति, समस्त जितने भौतिक सुख होते हैं भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी लग्जरी लाइफ नौकर चाकर ऐश्वर्यशाली जीवन स्त्री सुख भोग विलास ये सब आपको शुक्र से प्रदान होते हैं। और तो इसके शुक्र के जो क्षेत्र आते हैं कार्य क्षेत्र कला आर्ट नृत्य सौंदर्य फिल्म मेकर एक्टर और आपका कॉस्मेटिक्स फैंसी ज्वेलरी इंटीरियर डेकोरेटर को फाइनेंस यानी जो भी तो आपको आकर्षण करने वाली चीज़ें हैं सौंदर्य से संबंधित कला नृत्य आर्ट कॉस्मेटिक्स फैंसी ज्वेलरी ये सब शुक्र के अंतर्गत आती हैं। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सब क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है और बहुत ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करता है। अशुभ स्थिति होने पर थोड़ा भौतिक सुखों में थोड़ी कमी रहती है और इन क्षेत्रों में थोड़ा संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं मेष राशि आपका सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। यहाँ पर आपका सूर्य आपके सेकंड हाउस में उन्होंने ट्रांजिट किया है नीच राशि में, तो यहाँ से स्थिति थोड़ी सी आपकी गड़बड़ाई, थोड़ा सा शारीरिक मानसिक संतुलन, थोड़ी उत्तेजना, थोड़ा डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, थोड़ी थोड़ा आपका तो कन्फ्यूजन की स्थिति, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी या कोई डिसीजन गलत लेना, शारीरिक मानसिक स्तर थोड़ा गड़बड़ा सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। परिवार वालों की तरफ से थोड़ा आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। यहाँ पर स्थिति थोड़ा परिवार में कोई मनमुटाव या परिवार वालों से कोई नुकसान या किसी की हेल्थ डिस्टर्ब होना, उससे आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर होना, आपका बैंक बैलेंस जो जमा धन है उसमें कमी आना, ये सब चीज़ें थोड़ी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ से 12वें भी हैं और नीचे भी हैं, तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी नकारात्मकता कॉन्फिडेंस में कमी इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन कन्फ्यूज़न छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग वहाँ से नुकसान, छोटे भाई बहन आपके सहकर्मी कर्मचारी आपके प्रिय बंधु खास तौर से आप स्त्री हैं तो पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग से थोड़ा नुकसान या आपको सहयोग नहीं मिल पाना या संबंध खराब होना, तो थोड़ा ध्यान रखें, अपने संबंधों को बनाए रखें, थोड़ा धैर्य और संयम से आप काम करें। उसके बाद फिर यहाँ बात कर लेते हैं भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी के लिए, ऐसी स्थिति अच्छी रहेगी कि नए मकान लेने की योजना, कोई घर में लग्जरी आइटम को क्या सुख संसाधनों में वृद्धि, तो आपका कोई वाहन तो आप घर में ला सकते हैं, आपकी माता जी का आशीर्वाद ब्लेसिंग मिलेगा, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा और लग्जरी आइटम सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। अच्छी स्थिति है, भूमि मकान वाहन की प्राप्ति आपको हो सकती है, अगर कोई योजना आपकी तो आप बनाते हैं तो उसमें सक्सेस आपको मिलेगा, नए मकान की प्राप्ति नए वाहन की प्राप्ति ये सब चीज़ें यहाँ होंगी। संतान का आपका लाभ बेनिफिट तो यहाँ सहयोग मिलेगा, संतान आपकी तरक्की उन्नति करेगी और उनका कोई आपको खुशखबरी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। अब तक विवाह शादी तो को लेकर आप उनके चिंतित थे तो विवाह शादी के संबंध बनेंगे, तो उनका पढ़ाई में तरक्की या उनका सहयोग प्राप्त होना, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की उन्नति, ऑल ओवर संतान की तरफ से सेटिस्फैक्शन संतुष्टि आपको मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, कंटिन्यू कीजिए, नया कोर्स एडमिशन करना है, मास्टर डिग्री लेनी है, आप प्रयास कर सकते हैं, तो अच्छी स्थिति बन रही है आपके फेवर में आपके पक्ष में है। प्रेम संबंध वालों के लिए भी अच्छी स्थिति है, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, तो कंटिन्यू कीजिए। और जो लोग विवाहित हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति है, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा पति पत्नी का और आपका आपस में सामंजस्य आपका तालमेल अच्छा रहेगा। कोई आप व्यवसायी हैं पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप तरक्की उन्नति करेंगे। अचानक से नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, थोड़ा संघर्ष थोड़ा पुरुषार्थ अधिक करना पड़ेगा, नौकरी में तरक्की उन्नति का अवसर दिखाई दे रहे हैं, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, ऋण रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन थोड़ा आपके पिता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, उनसे थोड़ी विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें,
लंबी दूरी की यात्राओं में थोड़े व्यवधान, थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ क्रिएट हो सकती हैं, और साथ में अगर विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी थोड़े व्यवधान, परेशानी, लेकिन फिर भी नौकरी उन्नत तो आपको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। थोड़ा आपको प्रयत्न, थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसके अनुरूप आपको उसके वांछित सुफलों की प्राप्ति भी होगी। छह स्थिति है, कार्य व्यवसाय की दृष्टि से थोड़ा आजीविका चलाने के लिए कैरियर से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, वहाँ पर वहाँ के लॉर्ड जो आपके ये शुक्र नीच के चले गए सेकंड हाउस में, वो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट इन द सेंस कि थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष आपका अधिक थोड़ा बन जाएगा। फिलहाल कुछ समय के लिए रुक जाएं, ये बहुत ही लंबे समय के लिए नहीं है। तो आपको नया कोई कार्य व्यवसाय में अगर कोई आप कोई बदलाव करना चाहते हैं, नया कार्य व्यवसाय खोलना चाहते हैं, या अपनी नौकरी में आप कोई तब्दीली या कोई चेंजेस चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए उसको रोक दीजिए। जो जैसा उसको यथावत आप वैसे चल रहे हैं, उसमें पुरुषार्थ मेहनत करते रहें, अभी बदलाव की स्थिति नहीं है, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जितनी मेहनत आप करेंगे तो उसके अनुरूप तो उसका आपको फल की प्राप्ति होगी। अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, आपके बड़े भाई बहन, आपके तो आपके मित्र, तो वहाँ से आपको लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, संबंध अच्छे रहेंगे। और साथ में अचानक से कहीं से गुप्त धन की, ब्लैक मनी की, अगर आपको सट्टा उनकी लॉटरी को जुए का कार्य करते हैं या कहीं से ब्लैक मार्केटिंग का कार्य करते हैं, तो वहाँ से गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। ऑल ओवर देखिए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर अगर आपके जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा, अंतरदशा आपके अनुकूल चल रही है, आपके पक्ष में चल रही है, तो यहाँ पर आपको 60-70% तक जो शुक्र का ट्रांसलेट है आपको बेनिफिट देगा। और अगर वहाँ भी दशा, अंतरदशा आपकी जन्म कुंडली प्रतिकूल चल रही है, तो इसके तो थोड़ा संघर्षों, कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का, जिसका सर्वाधिक महत्व होता है, तो उसका भी एक बार विश्लेषण करा लें। जब दोनों चीज़ें आपकी टैली होती हैं, आपके गोचर ग्रह भी और आपकी जन्म कुंडली के ग्रह भी, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभ गेन करते हैं, तरक्की उन्नति करते हैं, और छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। आप क्या कीजिए, तो प्रत्येक शुक्रवार को सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद चढ़ाएं, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंश शुक्राय नमः का जाप करें आप 2 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट, और साथ में काली चींटियों को आप सफ़ेद शुगर खिलाएं, और क्या करें आप जो पक्षियों को सफ़ेद चावल खिलाएं, तो निश्चित रूप से जो थोड़े बहुत आपको दुष्प्रभाव आपको मिलेंगे शुक्र के, इससे आप बचे रहेंगे, आप तरक्की उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।